हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू टेक्निकल ज्ञानी। एंड फाइनली वी गॉट अ चांस टू शो यू द मोस्ट स्टाइलिश क्रूजर रेट्रो बाइक विच इज जावा पिराग। जावा पिराग बाइक का आज मैं रिव्यू आपको शो करने वाला हूँ गाइस, जो कि एक मोस्ट स्टाइलिश बाइक में से एक है। एंड गाइस, अगर आपको क्लासिक लुक पसंद है और आप क्रूजर बाइक एक परचेज करना चाहते हैं तो जावा पिराग इज द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑप्शन फॉर यू। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू जावा रीवा ब्रांच नियर एनके होंडा। जावा से रिलेटेड एड्रेस मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स पा सकते हैं। गाइज, अगर मैं बात करूं इस बाइक की, तो ये अपने आप में एक डिसेंट बाइक है, जो कि एक रेट्रो लुक बाइक है और क्लासिक फील कराती है आपको, और इसे चलाने में आपको एक कंफर्टेबल राइड मिलती है। एंड गाइज, अगर बात करूं इस बाइक के इंजन की, तो सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन इस बाइक में आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी बेटर ऑप्शन है। आपको इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, बात करें तो 30.64 पीएस की पावर आपको इस बाइक में मिलती है, एज वेल एज मैक्सिमम टॉर्क जो मिलता है 32.74 एनएम का टॉर्क आपको मिलता है इस बाइक में। ये बाइक आपको 6 गियर के साथ ऑफर होती है, और एज वेल एज इट ऑफर्स यू ट्विन एग्जॉस्ट, मीन डबल एग्जॉस्ट इसमें आपको मिलते हैं। एंड गाइज, इस बाइक के लुक की बात करूं तो बहुत ही ऑसम लुक है। आप देख सकते हैं लुक वाइज ये बाइक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बाइक इन इंडिया है, और काफी ट्रेंड में चल रही है बाइक। वैसे तो बात करें तो हर चीज के एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन इस बाइक के बारे में अगर हम बात करें तो इसके पूरे डिटेल के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आपने टेक्निकल ज्ञानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज टेक्निकल ज्ञानी को सब्सक्राइब करें। एंड साथ ही गाड़ी में टेक्नोलॉजी के लिए काफी कुछ ध्यान रखा गया है, और यह बाइक आपको फ्यूल सिस्टम के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आती है, एंड जो कि आपको एक बेहतर राइड देने में कैपेबल है। गाड़ी सिंगल सीट के साथ आती है, और इसमें सेकंड ऑप्शन एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, ये इसी तरह के कस्टम डिजाइन में बनाई गई है। इस बाइक में 100x90 18 इंच के टायर्स आपको मिलते हैं, जो कि फ्रंट टायर्स हैं। एंड गाइज, द बाइक ऑफर्स यू फॉर सिंगल राइडर। अगर आप सिंगल राइडिंग पसंद करते हैं, अगर इस बाइक में आप ओनली सिंगल राइडिंग कर सकते हैं, बट इसी के लिए इसे डिजाइन किया गया है, और बेहतर राइडिंग एंड फील के लिए आपको ये बाइक डिजाइन की गई है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंजन के साथ आती है और बेहतर कॉन्फिडेंस आपको प्रोवाइड करती है, एज वेल एज जब आप इसमें राइड करते हैं तो बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस आपको प्रोवाइड करती है, एज वेल एज बहुत ही लग्जरी राइड आपको ये देती है। अगर बात करें इस बाइक के सस्पेंशन की, तो फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोर्क आता है, एज वेल एज फ्रंट ब्रेक्स की बात करें तो 280mm डिस्क विद फ्लोटिंग क्लिपर एंड ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ ये बाइक आपको ऑफर होती है। एंड दिस बाइक ऑफर्स यू हेड टर्नर लुक। आप इस बाइक में अगर कहीं भी जाते हैं, डेफिनेटली आपको सभी लोग नोटिस करने वाले हैं, और इस बाइक के लुक को आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि किस तरह का लुक एंड फील आपको इस बाइक में विजिबल होने वाले हैं। एंड गाइज, बात करूं अगर इसके इंजन कैपेसिटी की, तो 334 सीसी इंजन इस बाइक में आपको मिलता है, जो कि 34 kmpl का माइलेज क्लेम करता है। और बात करूं फ्यूल टैंक की, तो 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक में मिलती है। हालांकि दोस्तों, अगर बात करें ग्राउंड क्लीयरेंस की, तो ग्राउंड क्लीयरेंस थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा अपर होता तो ज्यादा बेहतर हो सकता था, क्योंकि कई कंडीशन में इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो हायर स्पीड ब्रेकर्स में आपको थोड़ा सा ध्यान ना होता है। हालांकि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस कम इस वजह से भी है, क्योंकि इसको बेहतर कंफर्ट राइड के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि राइडर को एक बहुत ही स्मूथ राइड मिल सके, स्मूथ एंड कंफर्टेबल राइड मिल सके। एंड गाइस, अगर आपको ये बाइक परचेज करना है, तो आप दिए गए एड्रेस पे, डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस पा सकते हैं, और आप इस बाइक को परचेज कर सकते हैं रीवा ब्रांच से। एंड गाइस, अगर मैं बात करूं इस बाइक के लुक्स के बारे में, तो दैट इज मोस्ट ऑसम, और ये बाइक अपने लुक्स के लिए जानी जाती है।
जाती है लुक्स एंड डिजाइन के लिए जानी जाती है। हालांकि बाइक में आपको कोई पिलियन सीट नहीं मिलता है और उसको आफ्टर मार्केट अगर आप इंस्टॉल भी कराते हैं तो वो उतना सक्सेस नहीं है। तो गाइज ये वन राइडर के लिए ये बाइक डिजाइन करी गई है और जो कि बेहतर कंफर्ट प्रोवाइड कर सके राइडर को। एंड बात करें इस बाइक के एग्जॉस्ट साउंड की तो बहुत ही ऑसम साउंड इस बाइक का है। अभी तक किसी भी बाइक में इस तरह का साउंड इंडिया के अकॉर्डिंग हमने नहीं देखा। बहुत ही डिसेंट और बहुत ही प्यारा साउंड एग्जॉस्ट का है इस बाइक का। एंड गाइज अगर बात करें इस बाइक के कर्व वेट की तो 175 केजी इसका कर्व वेट है। हालांकि सेफ्टी के अकॉर्डिंग आपको लेग गार्ड काफी बेहतर एंड स्ट्रेंथन मजबूत लेग गार्ड मिल जाता है, तो यह सेफ्टी से रिलेटेड इसमें ध्यान रखा गया है, काफी मजबूत लेग गार्ड है। एंड गाइज बात करें इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की तो 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक में मिलता है। अगर आप इस बाइक को बुक कराना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको इस बाइक के लिए 6 months का वेट करना पड़ रहा है, 4 से 6 महीने का वेट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर दिए गए एड्रेस पे आप संपर्क करते हैं तो आप इसकी डिलीवरी पा सकते हैं उससे पहले भी। एंड गाइस द बाइक ऑफर्स यू हैलोजन हेडलैम्प्स एज वेल एज हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स। बट बैक टेल लाइट की बात करूं तो आपको एलईडी टेल लाइट देखने को मिल जाती है इस बाइक में, जो की राइडर सीट के जस्ट बिलो में दी गई है। एंड गाइस जावा के फ्यूल टैंक को आप देख सकते हैं जो की काफी अग्रेसिव दिखता है और बहुत ही स्टाइलिश विजिबिलिटी है इस फ्यूल टैंक की, और ये एक अलग से अपील करता है इस जावा पिराग बाइक में। एंड गाइस अगर बात करें राइड के दौरान तो स्पीडोमीटर काफी आगे आपको झुक के देखना पड़ता है। एंड इस बाइक के इंजन में आपको रेडिएटर ग्रिल्स मिल जाते हैं और यह बाइक आपको लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आती है, तो इसको आप लॉन्ग राइड पे ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इस बाइक में नहीं है और बहुत ही कंफर्टेबल राइड क्वालिटी आपको यह बाइक प्रोवाइड करती है। हालांकि बात करूं अगर आप पिलियन राइडर को भी ले जाना चाहते हैं तो इस बाइक में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। बट जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये वन राइडर के लिए डिजाइन की गई है बाइक स्पेशली, तो यहाँ पे पिलियन राइडर के लिए कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है। और अगर आप पिलियन राइडर के अकॉर्डिंग परचेज करना चाहते हैं बाइक तो आप जावा की 42 2.1 मॉडल परचेज कर सकते हैं। एंड गाइस बात करें राइडर के बिहाइंड में जो एलईडी लाइट लगी हुई है, जो टेल लाइट लगी हुई है, काफी बेहतर अपील होती है, काफी बेहतर विजिबल होती है और स्पेशली एट नाइट टाइम में बहुत ही अच्छा फील प्रोवाइड करती है। गाइस बैक साइड में आप बाइक देख सकते हैं, नंबर प्लेट लैंप आपको मिल जाता है, जस्ट बिलो में आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर सिचुएटेड है। एंड बैक साइड में भी बात करूं तो आपको हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। एंड गाइस बात करें तो यह बाइक आपको ओवरऑल एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कराने में कैपेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी हाइट बहुत ही ज्यादा है ओवर 6 feet तो मे बी की थोड़ा बहुत इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं तो बहुत ही कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करती है। हालांकि अगर आप बहुत ही लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं तब आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फील होती है, अदरवाइज ये बाइक आपको और काफी पावर प्रोवाइड कराती है, काफी पावरफुल बाइक है ये। एंड गाइज यहाँ पे टैंक में, फ्यूल टैंक में आपको साइड में जावा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड इस बाइक में आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है, तो आप अगर काफी स्पीड में बाइक को राइड कर सकते हैं तो भी आप ब्रेक को अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर बात करूं 350 क्लासिक की तो 60 स्पीड के बाद उसमें काफी कुछ वाइब्रेशंस फील होते हैं। इस बाइक की बात करूं पार्टिकुलर तो 334 सीसी इंजन के साथ काफी पावरफुल इंजन है, तो इसमें उस तरह की वाइब्रेशन फील नहीं होती। हालांकि बात करूं तो साउंड के लिए जानी जाती है, तो काफी ज्यादा साउंड इस बाइक में आपको प्रोड्यूस होता है जो कि एग्जॉस्ट का साउंड काफी बेहतर है। एंड गाइज अगर आप इस बाइक को परचेज करने का मन बना रहे हैं तो आप इसे फाइनेंस भी करा सकते हैं और इसमें आपको नो इनकम प्रूफ की फैसिलिटी मिल जाती है, आपको इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। सो गाइस बाइक से रिलेटेड एड्रेस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे मोबाइल नंबर भी कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाते हैं। तो आशा करता हूं यह बाइक का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा गाइस, और आप क्या सोचते हैं इस बाइक के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जावा पिराग आपको कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, अगले वीडियो में एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञानी को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।